Duh. अभी चलता हूँ मैं वहाँ पे अपने दोस्तों का होटल दिखाता हूँ। सब तैयार हो रहे हैं तो ये सब तैयार हो रहे हैं तो कुछ लोग तैयार हो गए, जैसे मोहसिन भाई तैयार हो गए, नाजिम भाई तैयार हो गए, समन भाई तैयार हो गए हैं। तो ये देखो मामा भी तैयार हो गए हैं, गोपाल भाई तैयार हो गए हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करके अब डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे वाइट टाइगर की तरफ। थोड़ा आपको व्यू दिखा दे रहे हम अपने होटल का, तो धूप उप आ गई काफ़ी काफ़ी अच्छा होटल है, मेन रोड पे बना हुआ है। तो ये देखें बहुत बढ़िया रूम है, आप भी आ सकते हैं। श्याम होटल है, मेन रोड पे है, बगल में पेट्रोल पंप भी है, और जिनका ये होटल है उनका रेस्टोरेंट भी है। तो आप आकर आराम से यहाँ बैठ के दो दिन तीन दिन जैसा चाहे। मैं थोड़ा जा रहा हूँ बाहर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक और नया दिन एक नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ फिलहाल अभी एमपी में। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा आपने कि मैं गया हुआ था वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं वाटरफॉल, तो टाइम नहीं मिल पाया था। तो हम लोग आज जा रहे हैं वाइट टाइगर नेशनल पार्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे बढ़िया है ना, आपको दिखा दे रहा आपको मैंने दिखाया हो गए हैं। तो चलते अपनी गाड़ी, थोड़ा सामान वामान निकालना, तो मैं थोड़ा बाहर चलता हूँ सामान वामान निकाल ले रहा हूँ। तो ये है वैसे बढ़िया। तो ये बाहर चलते हैं उसके बाद। बहुत बढ़िया होटल है ये, आप सामने देख रहे हैं मेन रोड पे है, सामने देख रहे हैं श्याम होटल है, आप आ सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं। धूप भी बहुत तेज़ है यार आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा ठंडी है, एक नंबर का मौसम है। तो अभी गाड़ी से सामान मैं भी अपना निकाल ले रहा जो मुझे चाहिए जल्दी से। तो एंट्री है आदमी के हिसाब से है, जिसका ऑर्डर वही की एंट्री है, बाकी लोगों की एंट्री नहीं। और यहाँ टोकन मिलता है, ये बोर्ड लगा है हाँ। यहाँ पर टोकन मिलता है, ये पार्किंग एरिया है, वो गेस्ट हाउस है शादी का, शादी वादी के लिए हाँ। तीन गेस्ट हाउस इस इसी तरह हैं अगल बगल, बहुत बड़ा है, एक अंदर है। ये बता रहा था ये छोटे भाई का वो बड़े भाई, ये बड़े भाई का है, ये बड़े भाई का हाँ, वो छोटे भाई का है। और ये 20 साल पुराना हो चुका है, आज का नहीं है, जमाना पहले पुराना है। तो ये आप जो देख रहे हैं हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, तो जो होटल जिस होटल में ठहरे हैं उन्हीं का ये रेस्टोरेंट है, तो यहीं पे हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। तो जाएंगे नाश्ता चाय वाय करेंगे फिर डायरेक्ट जाएंगे वाइट टाइगर। तो आपको थोड़ा दिखा रहे कितना बढ़िया बना हुआ, ये गेस्ट हाउस सामने बना, यहाँ पे वेडिंग वेडिंग हो सकती है, पार्क लड़कों का बना हुआ है ना। ये एक वो गेस्ट हाउस था, एक ये गेस्ट हाउस, दो गेस्ट हाउस, एक उधर साइड भी है जहाँ पहले बताया था आपको, और एक अंदर बताया मैंने। चलो आप ये देखिए, छोटे बच्चों के लिए बर्थडे हम लोग खाना खाने आए, यही नहीं लगा हुआ है। वो देखिए कपल सपल्स के लिए पार्क पानी वानी बना हुआ एकदम बढ़िया तरीके से, थोड़ा आपको दिखा देना मैं झूलने के लिए। तो ये कपल्स लोग के लिए, जैसे कोई कपल्स लोग आते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोग आते हैं ना, तो उन लोग के लिए बना हुआ है। तो ये पानी वानी एकदम बढ़िया एक नंबर है, एकदम पानी के बीचों बीच में है, ये पुल उल बना हुआ, आराम से बैठ के चाय वाय पी सकते हो, अपना कुछ भी कर सकते हो, प्रोग्राम है बहुत बढ़िया। ये देखिए बिस्की विस्की जिसको पीनी उसके लिए, कैंपिंग वैम्पिंग जिसको पीनी उसके लिए। तो हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने, रुके हुए हैं। तो ये देखिए गुलाब लेकर एकदम बढ़िया। We'll be right back.
जाने क्या क्या दिल के अपना सा तू लगा, कैसे मैं करूं बयां तुमसे, ये जुनून है या गुमान, वैसे मुझे तुम मिले जैसे कोई दिन के ले जाने कहा चले चाहे जो भी दिल करे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं व्हाइट टाइगर सफारी। तो जैसा कि हम लोग अभी गाड़ी चल रहे हैं, तो ये 2.5 घंटे का सफ़र था, तो काफ़ी मज़ा इंजॉय किए। लास्ट हम लोग का है ब्लॉग व्लॉग, लास्ट ही है शायद व्हाइट टाइगर सफारी। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं, मज़े करिए हम लोग की वीडियो में। ये पार्किंग जोन है, जैसे आप देख रहे हैं ये पार्किंग जोन है, ये हमारी गाड़ी है। नहीं, ये हम हैं, ये हमारी पार्किंग हो रही है, ये हमारी साथ, ये हम हैं, ये हमारे फ्रेंड है और पार्किंग हो रही है। चल बजड़ी के। तो हम लोग पार्किंग से हट के अब ये मुखनपुर का व्हाइट टाइगर है तो वहाँ जा रहे हैं। तो आपको पहले थोड़ा उसका दिखा दे रहा, तो आप सामने जो देख रहे हैं, सामने ये बना हुआ पूरा पार्क वार्क, तो इसमें जाएंगे अब देखो कितना टिकट लगता है। तो मुखनपुर वाइट टाइगर सफारी है ये। तो मैं इसका पूरा एड्रेस अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। इलाहाबाद से MP मुखनपुर का रास्ता जो है वो 132 किलोमीटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मुखनपुर में, मेन मुखनपुर में नहीं है, मुखनपुर के जंगल एरिया में है, तो 5 किलोमीटर आपको आगे जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके ये है सफारी पर। व्हाइट टाइगर सफारी जू। तो हम लोग व्हाइट टाइगर के अंदर आ चुके हैं, व्हाइट टाइगर सफारी के अंदर। टिकट आपको मैं बता दूं, अगर पैदल आप लोग चलेंगे तो 20 रुपये टिकट है, और अंदर अगर जीप लेंगे तो 50 रुपये टिकट है। तो जैसा आप चाहें, हम लोग तो 9 लोग थे, तो हम लोग पैदल घूमेंगे, तो इसलिए हम लोगों ने 20 रुपये का टिकट लिया है। तो आप जैसा चाहें वैसा करा सकते हैं, अंदर फिर टिकट मिल सकती है, नो प्रॉब्लम, अंदर टिकट अभी लेंगे हम लोग। झूलने वूलने का तो कोरोना वायरस एनिमल सब हर एक स्टिकर लगा हुआ, ये देखिए मैप लगा हुआ है, आप इसका यहाँ पे रिव्यू पढ़ सकते हैं, पार्क कहाँ पे, वो कहाँ पे। रोड क्लोज, पानी बोतल ले लें का, हाँ पानी बोतल ले लें। और हाँ, एक और बात आप लोग को बता दूँ, गुटखा खाने वाले आदमी अगर हो तो भाई अपना अंदर ले के चलना। और पानी की बोतल अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए पानी की बोतल आप यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको, बाहर से आप अंदर नहीं ला सकते, इसलिए मैं बता दे पहले से। खाने पीने का सामान भी आप अंदर नहीं ला सकते, और जैसे अगर लेके जाते हो और अगर जैसे आप फेंक देते हो ना पी के फेंक देते हो तो उसका जुर्माना है, इसलिए पहले मैं बता दूँ आपको। तो ये सामने आप देखें पहले कितना बढ़िया बना हुआ है, आप वापस जाइएगा। आगे जा रहे हैं देखने फेयरवेल। तो सब केज के अंदर बंद हो रखे हैं, ऐसा नहीं कि भाई जैसे होता नहीं जू, उसी तरीके का ये भी बना हुआ है, छोटा सा नेशनल पार्क है ये, MP में बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको साइकिल भी मिलती है, साइकिल 30 रुपये घंटा के हिसाब से मिलती है, तो आप अगर जैसे ज़्यादा लोग हो तो साइकिल भी ले सकते हो, बढ़िया साइकिल से अपना सफ़र कर लो, गर्मी गर्मी में बढ़िया। अब हम लोग 9 लोग हैं तो इसलिए हम लोग पैदल ही चलेंगे। ये बैठा, ये व्हाइट टाइगर बैठा हुआ, ये
मैं इनका ले चला घर अपने, बहुत तगड़ा है। एक ही है तो ये आप जो बोर्ड देख रहे हैं सामने, ये दी गई है ट्रिक कि जो जो तरीके के मतलब सांप है, अगर ये सामने से कोई भी सांप आपको काट ले तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। तो आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये सब इसमें लिखा हुआ है किस तरीके से आप अपने हिफाजत कर सकते हैं। चीता है, चीता तो ये भालू का बना हुआ है। तो आप इसका सॉल्ट बियर भालू, ब्लैक भालू है ये, बहुत होशियार होते हैं काले भालू, आप लोग को पता हो सरकस सरकस बहुत। तो अंदर हम लोग जा रहे हैं, दिखा रहा आपको भालू है ये है बिल्कुल नजदीक में। तो ये देखें सामने काला भालू है। कितना है उधर, गर्मी में बेचारा परेशान है, खाना ना देने के लिए। तो सामने आप गाड़ी देख रही, यही गाड़ी चलती है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बारह सिंगा देखने, तो आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये देख रहे सामने आए भू वही बे, ये वाला मस्त नहीं है। ये भी एक बारह सिंगा है, ये फीमेल है, इतना फीमेल है, आपको दिखाता हूँ। ये जो मरने कगार पर आती वही सब चलाएगी, छोड़ देते हैं। देख ला, देख ला, बुढ़िया कितनी चल नहीं पा रही, बहुत बूढ़ी है भाई। गाय वो लग रही है भाई, तो रुक जाके वीडियो बनाए दे, कह दे रहे हैं कि बचिया लग रही है, तुम चले जाइए। हेड दिया भाई, तो सही 12 सिंह या ये वाला थोड़ा तगड़ा है। कहां, हां ये है कुछ 12 सिंह। अरे 80 ये देखें आप सामने के पास जैसे लग रही है। हल्दी हम क्या कह रहे हैं, सामने दिखाता हूँ वाइट सिंगर आपको दिख रहा है, वो सबसे किनारे दिख रहा है ना, वो ये रहा वाइट सिंगर, ये बहुत प्यारा लग रहा है एकदम। यही बच्चा पाल पाल के बड़ा कर ले हैं। कहाँ अंदर आदमी चला जाए तो बाहर नहीं आ हम लोग बैठ गए।
बंद करो सर जी, अबे भगा कुछ ना बंद हो जाने दे बंद करा ज्यादा बंद कर लो भाई बंद कर लो हमें दिख नहीं रहा थोड़ा आगे ले वाइट टाइगर देख लिए पैसा वसूल हो गया अब यहाँ पे लेटे हुए हैं बहुत थक गए हैं बहुत थक गए अब दोबारा नहीं आना अब नहीं आएंगे तो माफी मांग बेकार है वाइट टाइगर है आप भी बताइए बहुत अच्छा है मजाक कर रहे बहुत नहीं आइएगा मत कैंटीन कहां है कैंटीन सफारी कर ली है अब जा रहे सीधा घर कुछ खास नहीं है वाइट टाइगर और सर्च करेंगे सम रेस्टोरेंट या ढाबा समथिंग फिर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें वाइट सफारी में यहाँ पे ज़्यादातर जो फेमस है वो वाइट टाइगर है वो हम लोगों ने देख ही लिया जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया है और छोटे मोटे जानवर हैं जैसे हिरन भालू चीता तो अभी और काम हम भी लगा हुआ है काम अभी बन रहा है फ़िलहाल में जैसे अभी दिखा रहा आपके यहाँ काम लगा हुआ तो यहाँ पर अभी और जानवर आएंगे तो गवर्नमेंट कर रही है इंतज़ाम बना रही है तो अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे ढाबा की और ना खाना ना खाएंगे खाना खाने के बाद सुबह सीधा घर तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहने लगे हम याद करके हेलो गाइस जैसा कि अब हम लोग ढाबा पे आ गए तो हमने अभी देखे ढाबा पे आ गए तो यहाँ पर मैं चाय वाई पी ली मैंने ज़्यादा खाना नहीं खाया इतना थका हुआ है अब सीधा हम घर की ओर निकलेंगे तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करेंगे बताते रहेंगे आप लोग को तो कैसी लगी प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ओके बाय।